प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। देव शयन या हरि शयन का मतलब है कि देवता सो गए, हरि मतलब भगवान विष्णु सो गए और अब शुभ कार्य अगले 4 महीने तक बंद रहेंगे। क्या महत्व है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से अगले 4 महीने तक श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए अगले 4 महीने तक शुभ काम बंद रहते हैं। जब तक देवोत्थान एकादशी नहीं आती, देवताओं का या भगवान विष्णु का जागरण नहीं होता, तब तक शुभ कार्य बंद रहते हैं। इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। 4 ऐसे महीने जिसमें शुभ और मंगल कार्य नहीं करते, लेकिन 4 ऐसे महीने जिसमें व्रत, जप, तप, यज्ञ, हवन, मंत्र, इसका बड़ा महत्व होता है। देवशयनी एकादशी से तपस्वियों का भ्रमण भी बंद हो जाता है। इन दिनों में तपस्वी भ्रमण नहीं कर सकते, यात्रा नहीं करेंगे, केवल ब्रज की यात्रा कर सकते हैं और बाकी जगह पर तपस्वियों का यात्रा करना मना होगा। इस बार देवशयनी एकादशी का जो संयोग है वो 29 जून को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। सृष्टि की जो चेतना है वो भगवान है, वो ईश्वर है, और चेतना कभी नष्ट नहीं होती, चेतना कभी सोती नहीं है। तो आखिर ऐसा हम क्यों कहते हैं अपनी परंपरा में, अपनी मान्यता में, कि देवशयनी एकादशी से देवता सो जाते हैं, भगवान विष्णु सो जाते हैं? आखिर इसका वास्तविक मतलब क्या है? देखिए, हरि शयनी कहते हैं ना, भगवान विष्णु सो गए, तो हरि का मतलब और देव का मतलब तेज तत्व भी होता है, यानी शुभ शक्तियां भी होती हैं। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम होता जाता है, यानी इनकी शुभ शक्तियां घटती जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया या भगवान विष्णु सो गए, जो प्रकृति की शुभ शक्तियां हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। आप देखिए, सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक के महीने में आदमी थोड़ा आलस्य में रहता है, थोड़ा लेथार्जिक रहता है, मन थोड़ा उदासी की अवस्था में या मन थोड़ा बुझा बुझा रहता है, बहुत चैतन्यता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि शुभ शक्तियां कमजोर होती हैं। इसीलिए इन 4 महीनों में विशेष पूजा उपासना के नियम बनाए गए ताकि शुभ शक्तियां आपको मिलती रहें। तेज तत्व या शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर अगर आप कोई शुभ काम करते हैं तो इसके परिणाम शुभ नहीं होते। इसके अलावा कार्यों में बाधा आने की संभावना भी होती है। इसीलिए इस समय से अगले 4 महीने तक देवोत्थान एकादशी तक शुभ कार्य करने की मनाही होती है। यानी वास्तव में ईश्वर की चेतना विद्यमान रहती है हमेशा, वो कभी नहीं सोती, लेकिन उस चेतना को आप तक जो शक्तियां पहुंचाती हैं या उस चेतना को जो आप अनुभव कर पाते हैं, उसकी जो एनर्जी लेवल है वो कमजोर हो जाता है। तो जब शुभता कमजोर होगी, जब पॉजिटिविटी कमजोर होगी, तो काम होने में मुश्किल होगी, काम होने में दिक्कत होगी। इसीलिए कहा गया कि देवता सो गए या भगवान विष्णु सो गए, वास्तव में शुभता कम हो गई, पॉजिटिविटी कम हो गई, इसीलिए कहते हैं कि देव शयन हो गया है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।